तो आज मैंने ये बनाया है, ये डोरमेट की डिजाइन को बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने साड़ी में से बनाई है। साड़ी की मैंने एक एक इंची की पट्टियाँ कट की थी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इसी तरीके से बस मुझे अपना प्यार देते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनाना। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी झालर वाला डोरमेट गोल एक साथ कैसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे इस वाले कलर के। इसकी नॉट लगाएंगे दो और फंदे डालेंगे। जितना बड़ा आप डोरमैट बनाना चाहते हैं उतने ही फंदे डाल लें। हरा फंदे मैंने इसके डाले हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम साथ ही साथ इस वाले फंदे डालेंगे। ये वाले भी दो नोट लगाएंगे और इसके हम पांच फंदे डालेंगे। दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे डाल लिए और ये हमने 18 फंदे डाले। तो अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैंने एक रो लगा ली है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इधर की साइड से हम जैसे फंदे को बनाएंगे साइड से हमें अभी कुछ नहीं करना, उधर की साइड से आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर रहे हैं करना है। अब क्या करेंगे देखो, यहां से इधर की साइड में धागे को निकालेंगे और ऐसे पीछे करके, मैंने पीछे कर लिया धागा। अब इस वाले को हम ऐसे उंगलियों पे पकड़ेंगे, इसे भी पीछे कर लेंगे, एक फंदा हम ऐसे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां से एक फंदा हम बढ़ाएंगे ऐसे। देखो एक फंदा मैंने आसानी से बढ़ा लिया। इधर की साइड से हमने जो सीधा फंदा लिया था उसे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। धागे को इसके ऊपर रखेंगे, इसे पीछे की तरफ निकाल देंगे। अब इसे बनाएंगे। इसी तरीके से अपने इस डोरमैट को बनाते जाएंगे। पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, इधर की साइड में दो फंदों को छोड़ देंगे, फिर से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखना। इसके ऊपर रख के इसे पीछे की तरफ निकाल देंगे और फिर इसको भी हम पीछे निकालेंगे क्योंकि ये वाला फंदा हमें सीधा लेना है। और इस तरीके से ऊपर से डाल के फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे और फिर से बनाना शुरू करेंगे। जो हमने फंदा बढ़ाया था उसे भी बना लेंगे। यहां से ये वाला फंदा मैंने बढ़ाया था उसे भी मैंने बना लिया है।
अब क्या करना है, इस फिर से फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के ऊपर से डाल के, और ऐसे ही हमें चार फंदे बढ़ाने हैं इसी तरीके से, और चार फंदे बढ़ाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखना, एक बार मैं फंदा बढ़ाकर आपको बता रही हूँ। इस तरीके से बढ़ाया है, देखो ऊपर से सिलाई के धागे को डालेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए, इसमें मैंने चार फंदे बढ़ा लिए हैं, तो इस पूरी रो को लगाकर हम क्या करेंगे, देखो। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस वाले कलर को लगाएंगे, इस वाले को हम यहीं पे छोड़ेंगे। ऐसे लेंगे और इसे हम पीछे की तरफ निकालेंगे, और इसको हम इसके साथ में ऐसे बना देंगे। इस वाले कलर को हम यहीं पे छोड़ेंगे। इधर की साइड में क्या करना है, देखिए दो दो करके फंदे छोड़े हैं मैंने, एक दो तीन चार, और चार फंदे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये बढ़ा ले हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब क्या करेंगे, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, सीधी तरफ से जैसा बनाया है वैसा ही बनाएंगे, उल्टी तरफ से बनाया था वैसा ही बनाएंगे। देखिए, इधर की साइड से हम जैसे बनाते थे इसे ऊपर की तरफ रखेंगे, इसे पीछे की तरफ करेंगे और इसे भी हम पीछे की तरफ करेंगे, और एक फंदा हम सीधा लेंगे, अब फिर से आगे की तरफ करेंगे और बनाना शुरू कर देंगे उल्टा ही उल्टा। देखो एक फंदा मैंने सीधा लिया है, आपको दिख रही होगी इस तरीके से ये वाली डिजाइन। तो अब क्या करेंगे, इसे हम बना लेंगे थोड़ा सा, इस वाली रो को पूरा बनाएंगे, और जैसे हमने एक एक करके ये फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही इधर की साइड से देखो दो फंदे लेंगे, दो फंदे लिए मैंने और कम कर देंगे, एक फंदा मैंने कम कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से एक एक करके बढ़ाए हैं देखो, यहाँ से वैसे ही एक एक करके हम कम कर देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। तो आप देख रहे हैं, मैंने देखो ये दो दो फंदे छोड़ते हुए, सभी में मैंने दो दो फंदे छोड़ते हुए एक यानी कली कंप्लीट की है। यहाँ से मैंने देखो एक दो तीन चार पाँच, चार फंदे बढ़ाए थे और चार फंदे घटा दिए। इस तरीके से ये कमूरे वाली झालर बन के तैयार हुई है देखो, और एक रो इसमें हम सादा लगा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा देखो, यानी सीधे फंदे का एक फंदा हम सीधा ले रहे हैं और इस तरीके से डिजाइन बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, व्हाइट कलर के फंदे हम व्हाइट कलर से ही बनाएंगे, अभी कोई फंदा नहीं घटाएंगे ना कोई बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें एक रो अभी सादा लगानी है। अब इस वाले फंदे को क्या करेंगे, देखो इसे हम पीछे की तरफ निकालेंगे, अंटा देना ना भूलेंगे। अब इस वाले फंदे को हम इससे बनाएंगे, देखिए देखिए, अब हम इसे इसी तरीके से बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। हमारी एक रो लग गई है देखो, अब देखिए अब हमारी ये एक कली बनके कंप्लीट हुई है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया था वैसे ही यहाँ से एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, यानी चार फंदे बढ़ाएंगे, फिर इधर की साइड से दो दो करके फंदे छोड़ेंगे
और फिर यहाँ से नीला कलर लगाएंगे चार फंदे छोड़कर बढ़ाकर। और इसी तरीके से देखो ये वाली कली बनके कंप्लीट होगी। तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इस वाले डिजाइन को मैं एक बार बनाकर और दिखाती हूँ आपको। तो इस धागे को हम इधर की साइड में करेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए सीधा फंदा बनाया मैंने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इन्हें सभी को या चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए चार फंदे मैंने उल्टे बनाए। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इस तरीके से ऊपर की सिलाई यानी ऊपर से फंदे डालते हुए देखो एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें चार फंदे बढ़ाने हैं और फिर चार फंदे एक एक करके गठाने हैं और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना। तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ से मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है तो यहाँ पे हम दो फंदे छोड़ देंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा बनाकर फिर से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने कितना सुंदर ये डोरमैट की डिजाइन बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है, आपको दिख रही होगी। और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसे हम बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। देखिए अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। मैंने यहाँ तक आपको दिखाया था बनाकर, बहुत सुंदर डिजाइन आई थी। सेम उसी तरीके से मैंने ये आगे बनाया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। आप इसमें कई कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप इसे सीख सकते हैं। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मेरा वाइट कलर थोड़ा सा है और देखो बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो छोटी सी वीडियो से बनाइए बहुत ही सुंदर सा डोरमैट, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है।